नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल यू आर गॉड। और इस YouTube चैनल को जब से मैंने शुरू किया है तब से लेकर के अभी तक जो वीडियोस मैंने बनाए ना, तो देखिए वो सब एक श्रृंखला में है। मतलब जैसे कोई धारावाहिक होता है ना, तो उसके एपिसोड्स होते हैं, उस प्रकार से एक के बाद एक इस प्रकार से। तो जो लोग नए आए हैं और जिन लोगों ने एक या दो या कुछ 8-10 वीडियोस देखे हैं मेरे, तो उनसे मैं बस यही कहूँगा कि आप सारे वीडियोस देखिए, क्योंकि मैंने कोई स्क्रिप्ट बना करके वीडियोस नहीं बनाए। और जैसे जैसे मुझे इंस्ट्रक्शंस मिलते गए भगवान के, वैसे वैसे मैं वीडियोस बनाता गया। और जहां जरूरी था वहां मैंने पुस्तकों में से पढ़कर भी आपको सुनाया, और ज्यादातर तो मैंने अपनी अनुभूतियां ही बताई हैं। और क्योंकि मेरा जो ज्ञान का जो स्रोत है ना, या मेरी जानकारी का जो स्रोत है, वो मेरी अनुभूतियां ही हैं। और आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं ये। और कोई भी व्यक्ति जब योग तपस्या या योग साधना करता है, तो गुरु की कृपा से, जी हाँ, ये योग अनुभूतियां होती हैं, उसे आध्यात्मिक अनुभूतियां कह सकते हैं अपन को। और उसके बाद क्या होता है, देखिए श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि आराधना में बाद में जाकर के, और जो हमारा मन है ना, वही गुरु बन जाता है। और वो हमको बातें सिखाने लगता है, लेकिन साथ ही मैंने ये पाया कि जो ज्ञान हमें मन के द्वारा प्राप्त होता है ना, वो यथार्थ ज्ञान नहीं होता चिंतन के द्वारा, सोच विचार के द्वारा। जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है ना, वो यथार्थ ज्ञान नहीं होता है। और क्योंकि देखिए किसी भी समस्या का जो सॉल्यूशन है ना, समाधान है, वो एक निश्चित समय पर ही होता है, मतलब छुपा हुआ होता है वो उस समय विशेष के लिए। जी हाँ, देखिए मान लीजिए कि आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम के शुरू करने के समय आप ये सोचें कि इसमें आने वाली सभी समस्याएं, सभी परेशानियां आपको पहले से ही पता लग जाएं, और आप अंदाजा भी लगाते हैं, अपने अनुभव का प्रयोग भी करते हैं, दूसरों के अनुभव का प्रयोग भी करते हैं, उसके बाद भी एग्जैक्ट आप नहीं जान सकते कि आगे क्या होने वाला है। और मैंने ये पाया कि भगवान ने वो जो ज्ञान आपको चाहिए उस समस्या को सुलझाने का, वो उस समय विशेष के लिए अपने पास रखा हुआ है। और जब आप उस स्टेप पर या उस स्टेज पर आप पहुंचोगे, तभी आपको वो बताया जाएगा। इसलिए जब तक हम कर्म नहीं करेंगे ना, कोई भी काम नहीं करेंगे, तब तक हमको समाधान भी नहीं मिलेगा समस्याओं का। जी हाँ, क्योंकि भगवान हमको अनुभव से सिखाते हैं।
हम वो चाहते हैं कि सभी ऑप्शंस जो होते हैं ना उनको चेक किया जाए, और ज़्यादातर वो हमको अच्छा तो सबसे बाद में दिखाएंगे, सबसे पहले तो बाकी के जो ऑप्शंस हैं ना उनको चेक करने के लिए देते हैं वो, ताकि देख लो कि भी उनमें क्या नुकसान है क्या फ़ायदा है, सोच लो समझ लो उसके बाद में सर्वोत्तम चुनो। यही होता है जिंदगी के हर पहलू में। और इसलिए मतलब कर्म कीजिए, करते जाइए, और एक निश्चित समय पर जहाँ पे समस्या छुपी हुई है तो साथ में समाधान भी छुपा हुआ है उसका, और समाधान मिलेगा। पहले से कितनी भी टेंशन कर लो, कितनी भी चिंता कर लो, कितना भी सोच विचार कर लो, पर वो समाधान उस समय विशेष के लिए छुपा हुआ है और उसी वक्त मिलेगा वो, इसको मैं एक सरल उदाहरण से आपको समझाना चाहूँगा। देखिए मान लीजिए कि आपने जाना है, मान लीजिए आपको कार से जाना है या मोटरसाइकिल से जाना है, तो आप पहले से अंदाजा नहीं लगा सकते कि रास्ते में क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको आएंगी और क्या क्या पड़ाव आपको पार करने पड़ेंगे। जिस पड़ाव पर आप पहुँचोगे तभी आपको पता लगेगा कि यहाँ पर ये समस्या है, और फिर साथ में उसका समाधान भी मिलेगा। ये समझाना चाहता हूँ मैं आपको, और मेरे इस चैनल के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। जब मैंने शुरू किया था ना तो मुझे पता ही नहीं था कि मुझको कहना क्या है। जैसे जैसे वीडियोस बनते गए, भगवान बताते गए, समझाते गए, वैसे वैसे मैं आपको बताता गया। तो ये एक उत्तरोत्तर होने वाला विकास है एक तरीके से, यूं मान लीजिए, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आध्यात्मिक विकास को। और इसलिए सारे वीडियोस शुरुआत से और अभी तक के वो देखे हुए होना आपके लिए जरूरी है, ताकि आने वाले समय में पता नहीं भगवान और क्या-क्या रहस्य उजागर करवाना चाहते हों, तो उनको समझने में हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी, आपके लिए और साथ में मेरे लिए भी। क्योंकि मैं एक दिन सोच रहा था कि कोई अगर नया व्यक्ति जब मेरे चैनल पर आता होगा, वीडियोस देखता होगा, सब्सक्राइब करता होगा, तो वो क्या सोचता होगा मेरे बारे में कि ये क्या कह रहा है, कैसे समझ में आती होंगी उसको मेरी बातें। और अभी के लिए इतना ही।